सीवान के मुफस्सिल थाना इलाके के रामनगर गांव के रहने वाले राजू कुमार जमौर की जमीन पर कुछ दबंगों का नजर है, यह कहना है राजू कुमार जमौर का। और आपको बताते चले कि राजू कुमार जमौर आवेदन लेकर के थाने सहित कई दफ्तरों का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका है। कई बार ये अधिकारियों से आग्रह भी कर रहे हैं जा कर कि आप लोग कृपया जमीन की नापी करवा दीजिए और जो जमीन हमारी है वो हमारे तक हवाले करवा दीजिए, क्योंकि जो जमीन है हमारी उस जमीन पर दबंगों की नज़र है और वो कभी भी कब्जा कर सकते हैं। और वही राजू कुमार का कहना है कि लगातार हम लोग कई बार थाने में भी गए लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि राजू कुमार मौर्य अपनी जमीन को खुद दिखा रहे हैं, जो कि सीवान के मुफस्सिल थाना इलाके के रामनगर गांव के रहने वाले हैं राजू कुमार मौर्य। आइए सुनते हैं उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है। रामनगर पोस्ट अमलोरी जिला सीवान का निवासी हूँ। मेरे बैनामा जमीन पे कुछ दलाल लोग हैं जो कि हम जमीन पर जा रहे हैं तो हमारे साथ मारपीट और झगड़ा कर रहे हैं। हमारे जमीन में फसल भी बोया गया, गेहूं बोया गया था, उसको जला भी दिया गया है दवा छिड़क कर। और जो भी हम थाना पर भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है, आवेदन लेकर रख लिया जा रहा है। उन लोगों को अभी तक कोई न गिरफ्तारी हुआ ना कुछ हुआ, और उनका नाम जिस पर उनका नाम है मोहम्मद आज़ाद खान, पिता साबिर खान, मोहम्मद शहजाद खान। जमीन का जो मैटर मतलब जमानत हो गया? हाँ जी जी। तो अभी अब तक कोई प्रशासन एक्शन नहीं लिया? ना, प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है उन लोगों की तरफ से। वो लोग जमीन पर जा रहे हैं तो मारपीट किया? हाँ, जमीन पर जाने पर मारपीट किया जा रहा है। हाँ, मारपीट किया जा रहा है। और जिसका उन लोगों का घर है आज़ाद खान, शहजाद खान, पिता साबिर खान, ये ग्राम कनपुरा और जिला सीवान के निवासी हैं। और एक और है जो कि मोहम्मद अशफाक खान, पिता मैनुद्दीन खान, ये ग्राम बंदुसार बिजुर्ग और थाना ओपी का निवासी, जिला सीवान का निवासी है। ये लोग हम जमीन पर जब भी जा रहे हैं तो मारपीट कर रहे हैं, अतः हम थाना पर भी जा रहे हैं, इन लोगों के आवेदन दे रहे हैं तो भी कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। आप क्या चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारे को इंसाफ मिले और थाना हमारे पक्ष में, जो हमारे पास बैनामा पेपर है जमाबंदी चल रहा है उसके खिलाफ जाँच करके उन लोगों पर उचित कार्रवाई करें। चले आइए सीवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सीवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक शांति वट वृक्ष के सामने सीवान। मोबाइल नंबर 9631402553। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए क्योंकि अब आपके शहर सीवान में ही बाल लगाने वाले आ गए हेयर फिक्सिंग न्याज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग न्याज, सेकंड फ्लोर विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने सीवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग न्याज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866 और 8789216171 पर। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है, मकान हो या दुकान। अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले
इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान, प्रोप्राइटर फिरोज खान, कॉन्टेक्ट नंबर 7256963795। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर। आसान किस्तों पर भी उपलब्ध एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, चार अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423।